हेलो दोस्तों, आपने अगर आधार कार्ड का डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है और वो एप्लीकेशन आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप वो एप्लीकेशन कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऐसा होता है, अगर आपने मान लीजिए आधार कार्ड का एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई कर रखा है और लास्ट में एक पेमेंट ऑप्शन आते हैं जहां ₹50 आपको पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट ऑप्शन में एरर आ जाते हैं या तो कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको तो URN नंबर मिल जाते हैं। URN नंबर मिल गया मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। और किसी किसी का क्या होता है, URN नंबर भी मिल जाते हैं और पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है। वो भी अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो भी वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे अगर एरर हो आ जाते हैं या तो फेल हो जाते हैं, ऐसे में आप अगर दोबारा फॉर्म को भरने जाएगा तो आपको दिखाएगा सिमिलर रिक्वेस्ट ऑलरेडी प्लेस्ड, और आपको तब तक रुकना पड़ेगा जब तक वो पहले वाला रिक्वेस्ट जो है डिस्पोजल हो ना जाए। तो ऐसे में वो तो डिस्पोजल होगा नहीं, क्योंकि आपका पेमेंट ही नहीं हुआ, पेंडिंग में रह जाएगा और बाद में काफी टाइम बाद वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, चलिए बने रहिए इस वीडियो में, आखिर तक हम वही चीजें दिखाने वाले। चलिए अभी अपना लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे गूगल खोल रखा हूँ और यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करेंगे UIDAI.gov.in, आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करने देंगे। क्लिक करने के बाद आधार का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज जो है वो खोल चुका है हमारे सामने। अभी दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और आपको दिखेगा अपडेट आधार के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं आपको ऐसे एक पेज पे नजर आएगा जहाँ आधार अपडेट ऑनलाइन चेक अपडेट स्टेटस, ठीक है। तो आपको कहाँ क्या डालना है, आपको यहाँ पे 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो डालना है। यहाँ पे दो चीजें है, एक URN नंबर है, एक SRN नंबर है। आपका मोबाइल में जो मैसेज में मिला है आपको URN नंबर मिला होंगे, 8 डिजिट का होता है। तो आप 8 डिजिट का URN नंबर इस जगह में लिख देना है, यहाँ पे 8 डिजिट का URN नंबर लिखना है। अगर मान लीजिए आप इसके ऊपर SRN के ऊपर क्लिक करेगा तब लेकिन ये गलत बताएगा, ये आप ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा नीचे आ जाइए, आपको ये कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पे कैप्चा कोड सब डालना है और सेंड OTP में क्लिक करना होगा। एक OTP आपका मोबाइल में चला आएगा और तब वो OTP यहाँ पे नीचे डाल के चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होगा। ये चीज़ें अभी हम कर लेते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हम जो URN नंबर और आधार नंबर डालने के बाद जो OTP अपना मोबाइल में मिला है तो वो OTP यहाँ पे डाल चुका हूँ। फिर चेक स्टेटस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहे हैं, पेमेंट वॉज नॉट सक्सेसफुली कम्प्लीटेड फॉर दिस रिक्वेस्ट, प्लीज कंटिन्यू बिलो टू कैंसिल दिस रिक्वेस्ट एंड रेज ए न्यू अपडेट रिक्वेस्ट। मतलब आपको ये रिक्वेस्ट कैंसिल करना ही है क्योंकि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। और जिसका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ था उसका यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, अंदर प्रोसेस दिखाएगा, वो भी अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो ये काम करना होगा। पहले आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो डालना पड़ेगा, फिर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो एक मोबाइल में OTP आएगा, फिर मोबाइल वाला OTP नीचे वाला पर्सन में डाल के सबमिट करना होगा। तो देखिए हम अभी ये कैप्चा कोड डाल के OTP मंगा लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक OTP हमारा मोबाइल में आ गया है, वो OTP यहाँ पे डाल चुका हूँ। फिर मुझे रिक्वेस्ट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कैंसिल रिक्वेस्ट। तो जो मैं एड्रेस चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाला था, हो सकता है आप कोई दूसरा नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ ये सब चेंज करने में डाला हो, कैसे भी हो आपको अगर कैंसिल करना है यही तरीका अपनाना है, तो कैंसिल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कैंसिल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा और यहाँ पे भी मैसेज शो करेगा, रिक्वेस्ट कैंसिल सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन ID ये है और आपका जो डेमोग्राफिक चेंजेस का रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है और अभी आप दोबारा सही तरीके से फिर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपका एड्रेस चेंज करने के लिए, आपका नेम में चेंज करने, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आप दोबारा रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आधार कार्ड का
करेक्शन के लिए जो रिक्वेस्ट डालते हैं ऑनलाइन, उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे, कैसे आप आधार कार्ड का ऑनलाइन चेंजेस के लिए अप्लाई एप्लीकेशन जो किया है वो कैंसिल कर सकते हैं, उसके बारे में पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।